व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल डेली मील कॉर्नर। आज हम हाजिर हुए हैं आपके साथ एक नई रेसिपी लेकर जो के हैं चिकन शवारमा। तो बगैर देर किए हम इसकी प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन के लिए हम इसका सैलड जो है वो प्रिपेयर करेंगे, ताकि हमारे सैलड को थोड़ा टाइम मिल सके और उसमें विनेगर और सॉल्ट जो है वो एब्जॉर्ब हो सके और उसका टेस्ट बहुत फाइन और डिलीशियस हो सके। तो बगैर देर किए हम इसके अंदर सबसे पहले अपनी सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो मिक्स करते हैं। यहाँ मैंने बाउल में जो है वो बंद गोभी ले ली है और बहुत फाइन सी जो है वो मैंने इसकी कटिंग की है, आप देख सकते हैं। आपकी अपनी मर्जी, आप इसको किसी भी शेप का कट कर लें। और इसमें जो है वो मैं ऐड करूँगी कैप्सिकम, ठीक है, ये भी मैंने फाइन सा कट कर लिया है। आप चाहें तो आप इसे ब्लॉक्स की शेप में भी कट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। सो अब मैं इसके अंदर जो है वो कैप्सिकम ऐड कर दूँगी। सेकेंडली मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं कैरेट्स, ठीक है। कैरेट को मैंने कद्दूकश किया है, आप चाहें तो आप इसे कैबेज और कैप्सिकम की तरह लॉन्ग लॉन्ग फॉर्म में भी कट कर सकते हैं। थर्डली इसमें मैं ऐड करूंगी कुकम्बर, ठीक है, और कुकम्बर जो है वो भी मैंने यहाँ पर स्लाइसेस की फॉर्म में कट कर लिया है। और लास्ट पर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी अनियन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनियन जो है वो बहुत फाइन सा और लंबा लंबा सा मैंने कट किया है। आपके लिए बेटर वैसे शवारमे में यही रहता है कि आप इसी फॉर्म का कट करें। फ्लेवर्स हम इसके अंदर ऐड करेंगे वाइट विनेगर। यहाँ मैंने जो है वो वन क्वार्टर जो है वो कप मैंने विनेगर का लिया है और अब मैं ये इसमें ऐड कर दूंगी। इसके साथ ही मैं इसमें 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करूंगी और इस मिक्सचर को मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स, हमारा जो सैलेड है शॉर्मे के लिए वो प्रिपेयर हो गया है, आप देख सकते हैं। हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स भी कर लिया है। अब हम इसको जो है वो रख देंगे और मीनवाइल जो है वो हम अपने चिकन की प्रिपरेशन करेंगे। जी तो व्यूवर्स, अब हम सबसे पहले अपने पैन में जो कि हीट अप हो चुका है, इसमें हम जो है वो 3 टेबल स्पून जो है वो ऑयल ऐड कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर जो है वो ज़ीरा ऐड करेंगे और उसको हल्का सा फ्राई करेंगे। सेकेंडली हम इसके अंदर जो है वो गार्लिक का पेस्ट 1 टेबल स्पून जो है वो ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर जो है वो चिकन ऐड करेंगे, जिसके मैंने छोटे छोटे से जो है वो स्लाइसेस किए हुए हैं। आप देख सकते हैं कीमा मैंने इसका जो है वो किया है और मैंने इसको जो है वो अबाउट 2 आवर्स मैरिनेट करके रखा था विद वाइट विनेगर एंड सॉल्ट। तो अब मैं इसमें ये ऐड करूँगी। जी व्यूवर्स, हमारा चिकन जो है वो फ्राई हो रहा है और हम मीनवाइल इसके अंदर जो है वो अपने स्पाइसेस ऐड करते जाएंगे। इसके साथ मैं आपको यहाँ पर ये बात बता दूँ कि जो मटेरियल हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ये मटेरियल हम 4 शवारमा जो है उनके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आप इसको 4 शवारमा की प्रिपरेशन के लिहाज से इसको माइंड में रखिएगा और आपने जितने प्रिपेयर करने हो तो आप इसकी क्वालिटी को डबल ट्रिपल जिस तरह से आप चाहें कर सकते हैं। इसके अंदर अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे, तो सबसे पहले हम इसके अंदर जो ऐड करेंगे वो है सॉल्ट। मैं यहाँ 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर अबाउट 1 टेबल स्पून ही इसके अंदर मैं ग्राउंडेड रेड चिली ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून ही मैं इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ और 1/2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर गर्म मसाला ऐड किया है और 1/4 जो है वो मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून हल्दी का ऐड किया है। जी व्यूअर्स, लास्ट पर मैं इसके अंदर जो है वो टिक्का मसाला नेशनल का ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो तंदूरी मसाला भी ऐड कर सकते हैं और जो भी आपको इससे रेलिवेंट जो मसाले अच्छे लगते हैं आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लें। मैंने यहाँ पर जो है वो 1.5 टेबल स्पून जो है वो ये ऐड किया है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। व्यूअर्स, आपने इसको जो है वो इस तरह से पकाना है कि इसके अंदर जो है ना वो कोई लिक्विड ना रहे। आपने इसको ड्राई फॉर्म में रखना है क्योंकि शवारमे में जब इसको अटैच करेंगे हम तो ऑलरेडी सॉसेस वगैरह होंगे उसके अंदर, तो वो फिर ज़्यादा जूसी, बहुत ज़्यादा ही एक्स्ट्रा जूसी हो जाएगा। तो आपने इसको ड्राई रखना है। और सेकेंडली इसमें आपने जो है वो
इस बात का ख्याल रखना है कि अगर तो आपने इसको मैरिनेट नहीं किया था विद विनीगर और साल्ट तो फिर आप इसे थोड़ा सा दम लगा सकते हैं, लेकिन विनीगर जो है वो ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से और बड़ी जल्दी जो है वो चिकन को फ्राई कर देता है या गला देता है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको दम नहीं लगाऊंगी। आप देख सकते हैं कि इसकी ये फाइनल लुक जो है वो बस अपीयर हो गई है और आप देख सकते हैं कि ये ड्राई फॉर्म में ही है, इसमें कोई पानी वगैरह इस तरह से कुछ भी नहीं है। तो इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट तक पकाने के बाद हम इसको जो है वो किसी भी पॉट में जो है वो निकाल लेंगे। अब हम अपने शवारमे की प्रॉपर प्रिपरेशन करने लगे हैं। हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं और लास्ट में जो है वो हम शवारमा की जो ब्रेड है उसको अपने तवे पर सेकेंगे। हमारा तवा जो है वो ऑलमोस्ट गर्म हो गया है। अब आपने इसे सेकना किस तरीके से है, आपने इस ब्रेड के ऊपर जो है वो या तो बटर यूज़ करनी है, बहुत हल्का सा जो है ना वो ऑयल आपने इस पर स्प्रेड करना है और फिर इसको सेक लेना है। देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल जो है वो हल्का सा ऑयल इसके ऊपर स्प्रेड किया है और अब मैं इसको सेकूंगी, वो ऑयल स्प्रेड कर दूंगी। इसको जो है ना वो लो फ्लेम पर जो है वो सेकना है, आपने अपने फ्लेम को हाई नहीं रखना, ना ही मीडियम रखना है, लो फ्लेम पर रखना है। हमारी एक साइड जो है वो हो गई है और अब हमने दूसरी साइड जो है वो की है। आपने इसी तरह से जो है वो अपनी बाकी ब्रेड्स को भी सेक लेना है और फिर इसकी फिलिंग जो है वो आपने स्टार्ट कर देनी है। आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से हमारी जो ब्रेड है वो बिल्कुल अच्छी तरह से सेकी जा चुकी है, अब हम इसको पॉट में निकाल लेंगे। जी व्यूवर्स, तो अब हम अपने शवारमे की जो है वो प्रिपरेशन करने लगे हैं। इसमें मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ कि ये हमने वाइट मायो चिली सॉस जो है वो प्रिपेयर की है इसका, और इसके साथ जो मैं दूसरी सॉस ऐड करूंगी, इन दोनों सॉसेस का लिंक जो है वो मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहां से इन दोनों सॉसेस की प्रिपरेशन की जो रेसिपी है वो ज़रूर देखिएगा और ये बहुत ही टेस्टी सॉसेस हैं। अब मैं इस सॉस को सबसे पहले जो मायो चिली सॉस है उसको मैं यहाँ पर पेस्ट करने लगी हूँ अपनी ब्रेड पर। आपने इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेना है। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जो चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे वो है हमारा चिकन जो हमने यहाँ पर फ्राई किया था, प्रिपेयर किया था, अब हम इसको जो है वो इसमें ऐड करने लगे हैं। यहाँ पर हम अपने चिकन जो है वो ऐड कर लिए हैं। अब हम इसके अंदर जो ऐड करेंगे वो अपना प्रिपेयर्ड सैलड है हमने, जिसको विनेगर और साल्ट लगाकर जो है वो रखा हुआ था। अब हम इस सैलड को थोड़ा सा फ्रेश कर लें मिक्स करके और इसमें जो है वो अब हम इसको ऐड करेंगे। ये भी आपकी चॉइस है कि आप इसको जो है वो कम या ज़्यादा जितना भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। लास्ट में जो चीज़ हम इसके अंदर ऐड करेंगे वो है रेड चिली सॉस। इसकी भी जो प्रिपरेशन की वीडियो है वो मैंने लिंक में उसी वाइट सॉस की प्रिपरेशन के साथ एक ही वीडियो में इन दोनों की सॉसेस की प्रिपरेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इसे ज़रूर चेक करिएगा, ये बहुत टेस्टी हैं दोनों। अब हम इसके अंदर ये ऐड करेंगे लास्ट पर। और लास्ट में हम इसको जो है वो बटर पेपर में रोल अप करने लगे हैं और ये हमारा शवारमा जो है वो प्रिपेयर्ड है। तो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि ये इसकी फोल्डिंग जो है वो मैंने कर ली है और यहाँ से आपको इसका व्यू जो है वो नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कि कितना यम्मी और टेस्टी सा व्यू है जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसी तरह से हम अपने बाकी शवारमा जो हैं वो भी प्रिपेयर कर लेंगे। जी व्यूवर्स, तो आप देख सकते हैं कि हमारे शवारमास की जो फाइनल लुक है वो कैसी अपीयर हो गई है। ये बहुत टेस्टी होंगे, आप इन्हें इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बहुत यम्मी और फ्लफ़ी जूसी से प्रिपेयर हुए हैं और जाते जाते आपसे गुजारिश है कि आप उस वीडियो का लिंक भी ज़रूर कंसल्ट करिएगा जिसमें मैंने सॉसेस की रेसिपी आपसे शेयर की है, और इसके साथ साथ आप मेरे इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और प्यारा सा कमेंट छोड़िएगा और मेरे चैनल डेली मील कॉर्नर को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।